हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है, जिसमें हम सारे कलाकार को कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो आधुनिक हों चाहे वो बंगाल के हों। ठीक है, अभी तो आधुनिक और समकालीन चल रहे हैं, फिर उसके बाद अपने बंगाल के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले हमने ए बी हैवेल और राजा रवि वर्मा, ये सब हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, जिसने ना देखे हो तो आप एक काम करिएगा, कल परसों वाली क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, देखिए, डेली कलाकार होने हैं अब जो है, बिल्कुल डेली कलाकार होने हैं, इसलिए क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक है, ये जो क्लासें चल रही हैं ये सभी के लिए इक्वली बराबर है। थक जाते हैं क्या आप लोग? इसके पहले जस्ट 7 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, इसके जस्ट पहले 7 बजे क्लास होती है, जिसमें हम कंप्लीट यूथ का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं फास्ट वे में। ठीक है, टाइम वेस्ट वाला कोई काम नहीं होता है, तो आप यूथ का प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, बाकी 8 बजे आपकी तुरंत, जस्ट 8 बजे आपका ये होता है, जिसमें हम कंप्लीट कलाकार करवा रहे हैं थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को, लाइक ना किया हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा अपना। अब चलते हैं, आज हमें जो पढ़ने हैं, आज हमारे कलाकार हैं जिनको हमें निपटाना है, वो हैं असित कुमार हलदार, और साथ ही साथ हमें निपटाना है जितेंद्र नाथ मजूमदार को। ठीक है, तो आज हमें ये दो कलाकार देखने हैं, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के देख लेते हैं इनको। ठीक है, और इसके पहले भी काफ़ी कलाकार हो चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, और काफ़ी सारी पुरानी वीडियो भी डली हुई हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है अपने असित कुमार हलदार से। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके सामने ये एक चित्र बना हुआ है। आपके एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अब नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं टीचिंग प्लेटफॉर्म पे, इस वजह से हो सकता है कि ऐसा भी पूछ ले ये चित्र देकर कि ये चित्र किसका है। वैसे आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि ट्रेंडिंग की वजह से पूछ ले। तो क्या है इस चित्र में, ये जो है ना चित्र, ये ध्रुव का बना हुआ है चित्र। इस चित्र में ध्रुव दिखाया गया है, जिसको बनाने वाले हैं असित कुमार हलदार। कब बना है? 1914 ईस्वी में। और इसको प्रकाशित जो है कहाँ से किया गया था, तो याद रखना है मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखना है 1914 का है, ध्रुव का है, और किसने बनाया है? असित कुमार हलदार ने। ठीक है, चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग है, जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास को अच्छे से पढ़िए। असित कुमार हलदार का जन्म पूछ रहा है कब हुआ था, 1890 ईस्वी में, कहाँ पर? जोरांसकोप स्थित टैगोर भवन में। किसका? असित कुमार हलदार का। ठीक है, और इस असित कुमार हलदार ने काव्य तथा चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुंदर संयोग मिलता है। ठीक है, किसके अंदर? असित कुमार हलदार के अंदर। और प्रारंभ में असित कुमार हलदार की जो रुचि थी वो ग्रामीण पटचित्रों की ओर ज़्यादा थी। ठीक है, और फिर असित कुमार हलदार ने शिल्पकला का प्रशिक्षण जो है वो कोलकाता प्रवासी लंदन के वास्तुशिल्पी, कौन है ये? लियोनार्ड जेनिंग्स से प्राप्त की थी। किससे? लियोनार्ड जेनिंग्स से इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखना है कोलकाता प्रवासी लंदन के वास्तुशिल्पी हैं लियोनार्ड जेनिंग्स, इनसे किन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो याद रखना है असित कुमार हलदार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं सन 1911 ईस्वी में कला शिक्षण पूर्ण होने पर हलदार कला भवन शांति निकेतन आ गए थे, और जहां पर इन्होंने 1912 से लेकर 1923 ईस्वी तक प्राचार्य पद पर ये रहे थे। ठीक है, कब? 1911 की बात है। और बोल रहे हैं 1910 ईस्वी में लेडी हरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बोस के साथ हलदार को भी अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति तैयार करने का अवसर मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है किसके बुलावे पर? लेडी हरिंगम के। सन 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के आदेश पर समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ हलदार को जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। कहाँ की? जोगीमारा गुफाओं की। कब? 1914 में, और 1910 में अजंता की। ठीक है, याद रखना है।
और यहाँ पर किसके साथ कर रहे हैं ये, समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ, और वहाँ पर किसके साथ कर रहे थे, नंदलाल बोस के साथ। ठीक है, दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। असित कुमार हल्दार ने 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्र नाथ कार के साथ बाघ गुफा चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की थी। यहाँ से भी आपको दिमाग में रखना है। और असित कुमार हल्दार के द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियाँ लंदन के साउथ कैंसिंगटन म्यूजियम के भारतीय विभाग में याद रखी हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर बोल रहे हैं जोगी मारा की प्रतिलिपियाँ भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में हैं। कहाँ की? जोगी मारा की। और बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ जो हैं ये ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कहाँ पर? ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में। ठीक है, और असित कुमार हल्दार ने 1923 ईस्वी में कला के विशेष अध्ययन हेतु इंग्लैंड, फ्रांस व इटली भी गए थे। कौन? असित कुमार हल्दार। कब? 1923 में। याद रखना है, सारे पॉइंट एक से बढ़कर एक हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सन 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के प्रधान शिक्षक भी बने थे। कौन? 1924 में कौन बने थे? असित कुमार हल्दार। फिर बोल रहे हैं सन 1925 ईस्वी में असित कुमार हल्दार ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य पद पर भेजा गया, जहां पर ये 1945 ईस्वी तक रहे थे। 1925 में कहां भेजा गया इनको? लखनऊ के आर्ट कॉलेज में भेजा गया, जहां पर ये प्राचार्य पद पर रहे। कब तक रहे थे? 1945 तक। स्टार बनाइए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी देख रहे हैं सारे इम्पॉर्टेंट है। सन 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कलाकार सदस्य निर्वाचित हुए थे। कहाँ के? नई दिल्ली के। ठीक है, सन याद रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आगे, सन 1945 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात सन 1964 ईस्वी में आपका निधन भी कहाँ पर हो गया था? लखनऊ में ही इनका निधन हो जाता है। और असित कुमार हल्दार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए हैं। याद रखना है, कितने चित्र बनाए हैं ऐतिहासिक घटनाओं पर? 30 चित्र बनाए हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हल्दार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर भी चित्र बनाए हैं। किस पर? कॉस्मिक पेंटिंग पर। ठीक है, आगे, कॉस्मिक पेंटिंग के चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी ध्यान दिया गया है। किसके? भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी। और असित कुमार हल्दार ने लकड़ी माध्यम पर भी कार्य किया है, और इस शैली का नाम क्या रखा गया? लैटिस रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? लैटिस रखा गया है, याद रखना है। आगे चलते हैं। असित कुमार हल्दार के कलात्मक आलेखन वाले चित्र अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ये सब किसकी? असित कुमार हल्दार की। कभी हृदय से बनाए चित्रों में क्या है? ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर बोल रहे हैं कि असित कुमार हल्दार की चित्रकला की शैली कैसी है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतात्मक है, क्योंकि उसमें काव्य एवं कला का समन्वय देखने को मिलता है। किसके चित्रों में? असित कुमार हल्दार के। गीतांजलि, रुबैयात ऑफ उमर खैयाम में हल्दार ने कविता के साथ साथ रेखा चित्र एवं चित्र भी बनाए हैं। किसमें? किसमें? गीतांजलि और रुबैयात ऑफ उमर खैयाम में। ठीक है, यहाँ से जितने आएंगे अगर क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना सारे। चलिए, असित कुमार हल्दार ने प्रस्तर, कांस एवं कास्ट की जो प्रतिमाएं हैं इनका भी निर्माण किया है। किसने? असित कुमार हल्दार ने। असित कुमार हल्दार ने अपने जीवन काल में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें इंडियन कल्चर एट अ ग्लास, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा तथा रूप दर्शिका प्रमुख हैं। ये सब किसकी हैं? असित कुमार हल्दार की हैं। ठीक है, असित कुमार हल्दार की प्रारंभिक रचनाएं जो हैं कैसी? भित्ति चित्रों की शैली में अंकित हैं। किसमें? भित्ति चित्रों की शैली में अंकित मिलती हैं। हल्दार ने लकड़ी, रेशम तथा अन्य माध्यमों पर भी अनेक प्रयोग किए हैं, और हल्दार ने जल रंगों, टेम्परा, तेल रंगों, इनमें भी कार्य किया है। किसने? हल्दार ने।
हल्दार की कला के प्रधान गुण जो हैं सुकुमारता और मधुरता देखने को मिलती है और रेखाओं में स्पष्टता तथा कोमलयुक्त सौंदर्य भी देखने को मिलता है। किनके चित्रों में, किनकी कला में? हल्दार की कला में। ठीक है, आगे हल्दार ने कास्ट पर लाख की वार्निस करके टेम्परा विधि चित्रण की एक विशेष टेक्निक की विकसित की है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैसेट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है लैसेट की जो विकास किया है, किसने किया है पूछा जा सकता है, तो याद रखना है किसने, हल्दार ने किया है। आगे चलते हैं, यहाँ से कुछ प्रमुख चित्र हैं तो देख लेते हैं। वुमेन एंड ट्री किसका है, हल्दार जी का है। स्विंग एंड सॉन्ग, ब्लैक प्रिंसेस ये भी इन्हीं का है, और द प्रमोशन ये भी इन्हीं का है, और मिडन इन लव, कच देवयानी ये भी इन्हीं का है, हल्दार का। मिस्ट्री, राज राजा लोटस, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, प्रारब्ध, ये सब किसके हैं, ये सब हमारे भाई साहब हल्दार के हैं। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ से जो हल्दार भाई साहब हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम जितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में। ठीक है, जो जो मेन मेन चीज़ें थी उनके बारे में इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपकी कंप्लीट करवा दी। अब पढ़ना है आपको जितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में, तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए ये चित्र आपके सामने है, इस चित्र में क्या है नीचे लिखा होगा, देख लेते हैं। तो देखिए इस चित्र में प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में दिखाए गए हैं। किसको दिखाया है, हरिदास अंतिम अवस्था में। कौन सी टेक्निक में है, कागज पर वॉश टेक्निक से बना है। संग्रह की बात की जाए तो ये राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हज़ार बार स्टार लगा लीजिए। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में बनाने वाले कौन हैं, तो ये हैं जितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। कौन है ये, जितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, अच्छे से याद रखना है और सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो कागज पर वॉश से बना है और राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में बना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आ रहा है जितेंद्रनाथ मजूमदार का जो जन्म है कब होता है, 1891 में होता है। कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में होता है, याद रखना है। जितेंद्रनाथ मजूमदार कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में और 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर इन्होंने पूर्ण की थी। किसने, जितेंद्रनाथ मजूमदार। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जितेंद्रनाथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक बने थे और बाद में यहीं पर ये प्राचार्य भी बन गए थे। कहाँ पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक बने थे। और जितेंद्रनाथ मजूमदार इसके पश्चात स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में चित्रकला व्याख्याता पद पर रहे थे। किस पर, व्याख्याता पद पर। और सन 1942 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की थी, याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 1964 तक, एक सेकेंड आगे बढ़ जाते हैं फिर बता देते हैं। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं, सन 1942 ने इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन जो कुलपति थे अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की थी और 1964 तक यहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएँ दी थी। ठीक है, और सन 1975 में इनका निधन कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, और जया अप्पा स्वामी के अनुसार जितेंद्रनाथ के रंगों व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। ये लाइन बहुत पूछी जाती है कि जितेंद्रनाथ के लिए ये लाइन किसने लिखी है कि रंगों व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है, तो याद रखना है ये किसने कहा है, जया अप्पा स्वामी ने कहा है। फिर बोल रहा है कि जितेंद्रनाथ के आकृति प्रधान चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अधिक प्रयोग हुआ है, किसका, वृक्षों का। ठीक है, आगे जितेंद्रनाथ का प्रिय विषय क्या था, धार्मिक एवं पौराणिक आख्यान था, जिसमें रामायण महाभारत कृष्ण लीला तथा चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण प्रमुख देखने को मिलता है। ठीक है, और जितेंद्रनाथ कट्टर जो थे, ये कट्टर वैष्णव थे और ये बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से ये प्रेरित हुए थे। ठीक है, और जितेंद्रनाथ मजूमदार की विशिष्ट शैली श्री चैतन्य श्रृंखला में ये दृष्टिगत होती है। हरे पीले बैंगनी रंगों का हल्का तरल फैलाव चित्रों को रहस्यात्मकता व सहज आकर्षण देता है और जितेंद्रनाथ
वॉश रंगांकन पद्धति में वह जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले कदाचित पहले भारतीय चित्रकार थे। इसको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। जितेंद्रनाथ जो है ये वॉश रंगांकन पद्धति में, और याद रखना है वॉश रंगांकन पद्धति में वह जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले कौन थे, तो पहले भारतीय चित्रकार कौन थे, जितेंद्रनाथ मजूमदार थे। जितेंद्रनाथ का प्रिय रंग कौन सा है, हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए केवल पढ़ाई की बातचीत होगी यहाँ पर, कोई फालतू में यहाँ वहाँ की बात नहीं होती है। ठीक है, ये जो 8 बजे वाली क्लास है इसको केवल हम पढ़ाई के तौर पर ले रहे हैं, बाकी जो बातचीत होती है वो आपकी शाम को 7 बजे होती है। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको देखना है, तो आप 7 बजे ज़रूर जुड़ें, सारी बातचीत वहीं पर होगी। ये जो क्लास है ये केवल थ्योरी की क्लास होगी, यहाँ पर कोई बातचीत नहीं। और देखिए ये जो क्लास होगी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से अगर 1 साल बाद भी आप क्लास को देख रहे हैं तब भी ये क्लास आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए। तो इसके प्रमुख चित्र हैं कुछ, बालक ध्रुव की तपस्या, डेथ ऑफ साधु हरिदास, विंटेज इंडिया, संत हरिदास, उर्वशी, मनसा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पालित मृग, ये सब जो चित्र हैं ये किसके चित्र हैं, तो याद रखना है ये चित्र किसके हैं, जितेंद्रनाथ मजूमदार के। ठीक है, तो आज हमने 2 कलाकार देख लिए, असित कुमार हलदार और जितेंद्रनाथ मजूमदार। ऐसे ही करके हम नेक्स्ट क्लास में 2-3 कलाकार लेंगे। ठीक है, अगर छोटे छोटे होंगे तो 3 कर लेंगे, वरना 2 ही रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे कलाकार को हम निपटाते हुए चलेंगे। और देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट वे में चलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो लिखी है बहुत सिंपल सी लिखी हुई है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। पहली बार आप केवल क्लास को देख लीजिए, फिर बाद में साइड में फ़ोन रख के केवल सुनते भी जाइए, तब भी आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर रखते हैं क्लास को। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।